हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी व्हाट वाज वर्ल्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकेंड को, एक्सपोर्ट इंसेंटिव इंटरनेशनल प्राइजिंग डिसीजन एंड फाइनेंस प्रोसीजरमेंट। Export incentives, rules for successful exporting, registration of exporters, appointment overseas agents and obtaining a license. International pricing decisions, factor influencing international decisions, uniform versus market by the market pricing, arranging finance for exporters, financial and fiscal incentive provided by the government, foreign exchange facilities offered by the export, import banks and RBI. ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, कितने तरीके के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं। व्हाट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर एज एन एक्नोलेजमेंट फॉर ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड इट टू compensate for the infrastructural obstacles and cost that they had faced. Indian foreign trade policies 2015 and 2020 highlights various export incentive made available by the government through the Directorate General of Foreign Trade as updated and estimated till September 2021. Export incentives ka matlab kya hoga, incentives ka matlab kya hota hai कि कोई मतलब आप ऐसा तरीका यूज़ करें, कोई इंसेंटिव करें कि भाई किसी काम को आपको और बढ़ाना है। तो आप ये नहीं कहते कि भाई मैंने इस काम को बढ़ाने के लिए ये नया इंसेंटिव किया है, ये नई चीज़ की है कि ये काम ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़े। नया कोई काम करना, नया कोई इंसेंटिव करना, या आप उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कोई नई चीज़ बताते हैं, वही चीज़ है कि भाई कोई नया काम करना। एक्सपोर्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होगा, एक नॉलेज प्रोवाइड करवाना कि आप किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं फॉरेन के अंदर, क्योंकि फॉरेन से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम है। तो उस कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप अपने एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं वो हमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव बताते हैं। इंडिया ने बहुत से फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज चलाई हैं 2015 से लेकर 2020 तक। हाइलाइट्स थी कि भाई एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें चलाई थी कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, और वो अपडेट की गई है 2021 के अंदर कि और कितने नए तरीके से नए इंसेंटिव्स के साथ आप अपने एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम्स, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम्स, ये कुछ स्कीम्स हैं इंडिया की। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स, जीरो ड्यूटी EPCG स्कीम्स एंड EOU, EHTP, STP, BTP स्कीम्स। नेक्स्ट ड्यूटी एग्जम्पशंस रीमिशन स्कीम्स, एडवांस अथोराइजेशन स्कीम्स, एडवांस लाइसेंस फ्रॉम एनुअल रिक्वायरमेंट, DIFA स्कीम्स एंड ड्यूटी ड्राफ्ट स्कीम्स एंड ROSCTL। इन स्कीम्स को, इन चीज़ों को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। एक्सपोर्ट के जो इंसेंटिव्स के टाइप हैं, तो फर्स्ट हमारा दिया गया है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडियन स्कीम्स, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम्स। These export incentive schemes can be subdivided into the merchandise and service sector. ये जो export Indian schemes हैं, ये schemes को divide किया गया है, इन incentives को divide किया गया है merchandise और जो service sectors होते हैं उनके अंदर, की भाई service sectors और merchandise किस तरीके से एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को यूज़ कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या नए इंसेंटिव्स लिए गए हैं इंडिया के अंदर, कौन सी स्कीम्स लगाई गई हैं। तो मर्चेंटाइज और सर्विस सेक्टर्स को दिया गया भी आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव कीजिए। अंडर MEIS द एक्सपोर्ट ऑफ नोटिसफाइड गुड्स टू नोटिसफाइड मार्केट इज रिवॉर्डेड ऑन realized FOB value of export in free foreign exchange or on FOB value of export
एज गिवन इन द शिपिंग बिल्स इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विच एवर इज लोअर। इसके अंदर क्या बोला गया है कि नोटिसफाई किया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि गुड्स है हमारे जो वो मार्केट के अंदर उनको रिवॉर्ड मिल रहा है और या फिर वो रिलीज किए जा रहे हैं एंड FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, उनकी क्या वैल्यू है एक्सपोर्ट करने के लिए, फ्री फॉरेन एक्सचेंज आप कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, शिपिंग बिल क्या रहेगा और हम उनको फ्रीली किस तरीके से कर सकते हैं कन्वर्ट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो हमें कम कॉस्ट प्रोवाइड करवाई गई। अब एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाती हूँ मैं, ये चीज़ हमें बताती है कि आप किस तरीके को यूज़ करें, ऐसा कौन सा तरीका यूज़ करें जिसके थ्रू आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट भी करवा दें और आपको कॉस्ट भी कम लगे, मतलब आपको ये लगे फ्रीली आप उन्होंने आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। MEIS rewards are available on the export of goods through couriers or international post on the cognizance of FOB and value of ₹2.5 lakhs। जो मर्चेंडाइज हमारी है रिवॉर्ड्स अवेलेबल करवाते हैं एक्सपोर्ट गुड्स के लिए, वे कुरियर आप किस तरीके से कर रहे हैं कुरियर करने के लिए इंटरनेशनल पोस्ट को, तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अंडर SEIS सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एलिजिबल सर्विसेज आर अंटिल ऑन टू ड्यूटी क्रेडिट स्क्रैप्स एट नोटिसफाइड रेट ऑन द नेट फॉरेन एक्सचेंज एंड फ्री फॉरेन एक्सचेंज रिकमेंडेशन रिसीव्ड सो द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो टेकन इन टू द अकाउंट वेल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ये जो है वो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं जो भी एलिजिबल होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रैप्स नोटिसफाइड रेट, ये हमें नेट फॉरेन एक्सचेंज जो हमें अर्न हुआ है वो चीज़ें हमें बताते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स स्कीम चलाई गई थी, फर्स्ट हमारी चली गई थी 0 ड्यूटी EPCG स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स टू इंडिया टू इम्प्रूव द कंट्री प्रोडक्शन क्वालिटी एंड कम्पिटिटिवनेस। इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स इज अलाउड एट द प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शंस एंड पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज एट ए 0 कस्टम ड्यूटी। दीज टू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कंपनसेशन केस। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम से हमें क्या चीज़ें बताती हैं कि आप किस तरीके से आपकी जो गुड्स उनको प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं जो गुड्स प्रिपेयर नहीं हैं, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स नहीं हैं, मतलब प्री प्रोडक्शन उनकी प्रोडक्शन नहीं हुई है या पोस्ट प्रोडक्शन उनकी प्रोडक्शन मतलब रुकी हुई है उस स्टेज के ऊपर हैं, तो आपको 0 कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है अगर आप उन गुड्स को इंपोर्ट करवाते हैं तो। मतलब वो फिनिश्ड गुड नहीं है, वो रॉ मटेरियल लगा लीजिए, मतलब वो पूरे नहीं हुए हैं तो। एंड दीज टू आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द, ये जो चीज़ें हैं ये एग्जम्प्ट होती हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर, ये गुड्स इंक्लूड नहीं किए जाते जो पोस्ट और प्री हमारे गुड्स होते हैं प्रोडक्शन जो इनकी पूरी नहीं हुई होती है। नेक्स्ट है EOU EHTP STP BTP स्कीम्स एडिशनल द FTP 2015 एंड 2020 ऑल्सो एक्सटेंड बिफोर बेनिफिट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड इन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवर्क टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स। ये इनकी फुल फॉर्म्स थी। इसके अंदर क्या बोला गया है कि ये एडिशनल जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया था 2015 से 2020 तक एक्सटेंड किए गए थे बेनिफिट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो आप गुड्स प्रोडक्ट जिनका प्रोडक्शन कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें चलाई गई थी, वो चीज़ें बनाई गई थी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के थ्रू एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स के थ्रू। अदर एक्सपोर्ट बेनिफिट्स इन इंडिया क्या होंगे, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस गोल्ड कार्ड स्कीम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर बॉन्ड्स मार्केट एक्सेस इंसेंटिव स्कीम्स मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम्स एंड स्टेटस होल्डर स्कीम्स। देखो एक्सपोर्ट का क्या बेनिफिट हो सकता है इंडिया के अंदर, भाई
आपको अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा, आपको नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आपको के पास करेंसी एक्सचेंज होगी, करेंसी एक्सचेंज होने के थ्रू आप टेक्नोलॉजी को नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे, मार्केट नई मिलेगी, मार्केट डेवलपमेंट होगी, आपका स्टेटस जो है वो बढ़ेगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा ड्यूटी एक्सपेंशन रीमिशन स्कीम। दिस अलाउ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट इनपुट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एंड इंक्लूड द फॉलोइंग ड्यूटी एक्सपेंशन स्कीम। ये जो ड्यूटी एक्सपेंशन या रीमिशन स्कीम्स जो हैं ये अलाउ करती हैं फ्री ड्यूटी ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ इनपुट फॉर द एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। मतलब जो हमें कोई भी इनपुट चाहिए हैं वो हम इम्पोर्ट करवा सकते हैं, ड्यूटी उसकी फ्री होगी अगर हमें कोई भी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करनी है, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स के लिए, गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए हम इम्पोर्ट करवा सकते हैं इनपुट को, उसकी ड्यूटी फ्री होगी। इसके अंदर फर्स्ट हमारी स्कीम दी गई है एडवांस अथोराइजेशन स्कीम। एडवांस अथोराइजेशन अलाउज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इनपुट्स दैट गेट फिजिकली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। दीज में इंक्लूड ऑयल, फ्यूल एंड कैटलॉग्स। द वैल्यू एडिशंस ऑफ द इनपुट इज मेजर्ड एज पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बेस्ड ऑन विच द एजम्पशंस इज प्रोवाइडेड। एडवांस अथोराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये अलाउ करते हैं कि ड्यूटी फ्री होगी अगर आप कोई भी इम्पोर्ट करवा रहे हैं इनपुट्स को, मतलब कोई भी आपको चीज़ चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कोई भी इनपुट आपको चाहिए कि भाई हमें हमें इस रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ये हमें बाहर से मंगवाना, तो आपको आपकी जो ड्यूटी है वो फ्री रहेगी, उसके अंदर ड्यूटी फ्री जो कॉस्ट लगती है वो फ्री रहेगी, ताकि जो आपकी एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट जो भी आपको गुड्स करने हैं वो पूरी पूरी हो पाए। जैसे कि जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑयल, फ्यूल एंड कैटलिस्ट, ये जो है इसके अंदर कोई भी आपको एडिशनल ड्यूटी फ्री कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है एडवांस लाइसेंस फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। इट इज़ यूज ऑन द बेसिक ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सपोर्ट फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट इंटरमीडिएट सप्लाईज और बी मेड एक्सपोर्टर। एडवांस लाइसेंस फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट इज अंटिल ओनली फॉर 1 to 5 स्टार्ट एक्सपोर्ट हाउसेस। ये उसी के लिए एडवांस हमें लाइसेंस जो है वो मिलता है एनुअल रिक्वायरमेंट, जो जिन्होंने एक्सपोर्ट्स अभी स्टार्ट किए हैं, जिनको एक्सपोर्ट करते हुए 1 से 5 साल हुए हैं, मतलब 1 से 5 साल के बीच में ही आपको एक्सपोर्ट हाउस अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको एडवांस लाइसेंस फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट मिलता है। ये आपको एक्सपोर्ट करवाने के लिए लाइसेंस होता है जो आपको एडवांस में मिल जाता है कि भाई आप कर सकते हैं, जिन्होंने नया नया एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथोराइजेशन। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथोराइजेशन अलाउ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ इनपुट ऑन द बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ ड्यूटी। एडिशनल कस्टम्स एक्सेस ड्यूटी विल बी एडजस्ट इन द CEN एंड वैट क्रेडिट। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथोराइजेशन आपको क्या अलाउ करता है कि आपको ड्यूटी फ्री रहेगी अगर आप कोई भी इम्पोर्ट करवा रहे हैं इनपुट को बेसिक कस्टम ड्यूटी के अकॉर्डिंगली, उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली, और एडिशनल कस्टम्स एक्साइज ड्यूटी के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा इसको। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड अ रिफंड टू एक्सपोर्टर्स ऑन द कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन इनपुट एंड रॉ मटेरियल और सर्विसेज फॉर यूज द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। द री एक्सपोर्ट ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स एंड शुड हैपन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम टू बी एबल एलिजिबल फॉर द ड्रॉबैक। द ड्रॉबैक इज रिवर्स्ड एंड इफ द सेल परस्यूड आर नॉट रिसीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंदर क्या होता है, इसका मेन एम होता है रिफंड प्रोवाइड करवाना जो भी आपने चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, और कस्टम सर्विसेज ड्यूटीज जो आपने पे की हैं इनपुट के लिए, रॉ मटेरियल जो आपने मंगवाया, सर्विसेज आपने मंगवाई है प्रोडक्शन करने के लिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए। तो जब आप चीज़ें री एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि वो प्रोडक्शन आपने कर ली, आपने इनपुट मंगवा लिया, इंपोर्ट करवा ली चीज़ें, आपने उससे प्रोडक्शन कर ली, उस प्रोडक्शन के बाद जब आप गुड्स को री एक्सपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्टेड गुड्स हैं जो आपके पास पहले आ चुके हैं वो एलिजिबल हैं ड्रॉबैक करने के लिए। ड्रॉबैक जो है वो रिसीव्ड गुड्स जो भी आपकी सेल प्रोसीड होगी उसके अंदर नोट रिसीव्ड विद इन द ड्रॉबैक के अंदर आएंगे, क्योंकि आप उसके उस चीज़ के लिए पहले पे कर चुके हैं,
नेक्स्ट है ROSCT, रिबेट ऑफर बेनिफिट टू मेड अप आर्टिकल एंड गारमेंट एक्सपोर्टर इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी क्रेडिट कैप। इट ऑल्सो डिवाइड्स इन द वेक ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द US टू द WTO अबाउट इंडियन एक्सपोर्ट इंसेंटिव be made available beyond the textile industry. Debate on state and central tax हमें क्या बताता है, ये benefit provide करवाता है articles और garments के ऊपर जो हम export करते हैं उनके ऊपर duty credit scrap आपको provide करवाता है कि भाई आप credit के अंदर उनको export कर सकते हैं, आपको उसके लिए पैसे pay नहीं करने पड़ेंगे। तो जो भी हम आर्टिकल्स बेचते हैं गारमेंट जो भी एक्सपोर्ट करते हैं ये डिवाइड करता है जो भी कॉम्प्लेन होते हैं हमारे यूके एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू। ये जो स्कीम्स हैं ये आपके लिए बनाई जाती, ये जो स्कीम्स हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बनाई जाती हैं। सॉरी, इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और कितने तरह के हमारे इंसेंटिव्स होते हैं वो हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।